हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे भाई की कमेंट आया था कि भाई अब इनलाइन टू एंड पैरेलल टू जो सिलेंडर आ रहा है उसके अंदर वीडियो बनाओ, बिकॉज हम लोग जानते हैं गाइस देयर आर मोस्ट टू पॉपुलर डुअल सिलेंडर मशीन दैट इज इनलाइन टू एंड पैरेलल टू। पैरेलल टू जो बाइक होता है गाइस, ज्यादा से ज्यादा कावासाकी का जितना सारा बाइक होता है, मान लो बिलो 1000 सीसी, जैसे कि निंजा 300, 400, 650, सभी के अंदर आपको पैरेलल टू इन सिलेंडर मिल जाएगा। अगर आप इनलाइन टू की बात करें तो यामा R3 एंड बेंटली 302R के अंदर आपको इनलाइन टू मिलेगा। सो गाइस, आज मैं आपको बोलूंगा दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, बिकॉज दोनों का जो वर्केबिलिटी है, दोनों का जो इनिशियल पांच है, वाइब्रेशन, साउंड, प्रोडक्शन कॉस्ट, ईज एंड एवरी चीज भाई डिफरेंट है। तो एक एक चीज गाइस डिटेलिंग के साथ मैं आपसे शेयर करूंगा। गाइस, पहले तो दोनों इंजन के जो फंक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। जो पैरेलल टू एंड जो इनलाइन टू आ रहे हैं, दोनों में भी गाइस आपको डुअल सिलेंडर मिल जाएगा। अगर हम पैरेलल टू की बात करें तो उसके अंदर जो दोनों सिलेंडर है, एक साथ ऊपर जाएगा, एक साथ नीचे आएगा। अगर हम इनलाइन टू की बात करें, इनलाइन टू में पूरा ऑपोजिट होता है गाइस, एक सिलेंडर ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, एंड दूसरा ऊपर जाएगा तो पहला सिलेंडर नीचे आएगा। सो यही मेन डिफरेंस है गाइस दोनों इंजन के अंदर। गाइस, सेकंड जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों इंजन के अंदर, दैट इज मैकेनिज्म। अगर हम इनलाइन टू की बात करें, इनलाइन टू का जो मैकेनिज्म है गाइस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू पैरेलल टू, बिकॉज इनलाइन टू के अंदर आपको डुअल क्रैंकशाफ्ट यूज होता है। अगर हम पैरेलल टू की बात करें तो उसके अंदर गाइस सिंगल क्रैंकशाफ्ट यूज होता है, बिकॉज मैंने पहले आपको बोला पैरेलल टू का जो दोनों सिलेंडर है एक साथ ऊपर जाता है, एक साथ नीचे आता है, तो इसलिए गाइस सिंगल क्रैंकशाफ्ट की मदद से टोटल जो काम है हो जाता है। बट इनलाइन टू में ऐसा सीन नहीं है गाइस, डुअल क्रैंकशाफ्ट यूज होता है, बिकॉज दोनों का जो दोनों सिलेंडर का जो डायरेक्शन है बिल्कुल भी अपोजिट साइड में है, तो इसलिए गाइस डुअल क्रैंकशाफ्ट यूज होता है। एंड जो रोटेशन एंगल मिलेगा अगर हम पैरेलल टू की बात करें तो दैट इज 360 डिग्री, बिकॉज ऊपर हीट करने के बाद कंप्लीट रोटेट होकर फिर से एक बार ऊपर हीट करता है, तो इसलिए गाइस जो रोटेशन एंगल है दैट इज 360 डिग्री। अगर हम इनलाइन टू की बात करें तो उसके अंदर दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एज यू नो गाइस, दोनों जो सिलेंडर है अलग अलग टाइम में ऊपर हीट करता है, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। टोटल जो काम है गाइस दोनों इंजन के अंदर ही 360 डिग्री है, बट फिर भी गाइस इनलाइन टू में हम बोलते हैं 180 डिग्री में जो क्रैंकशाफ्ट एंगल है, एंड पैरेलल टू में इसलिए बोलते हैं गाइस 360 डिग्री। इसलिए गाइस पैरेलल टू का जो इंजन है दैट इज वेरी बैलेंस इंजन। गाइस, थर्ड जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों इंजन के अंदर, दैट इज पैरेलल टू इनके अंदर आपको सिंगल फ्यूल इंजेक्टर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इनलाइन टू की बात करें तो दोनों सिलेंडर के लिए गाइस दोनों अलग फ्यूल इंजेक्टर है, बिकॉज गाइस पैरेलल टू के अंदर जो दोनों सिलेंडर है एक साथ एक ही काम करता है, बिकॉज दोनों एक साथ ऊपर जा रहा है, एक साथ नीचे आ रहा है, तो इसलिए गाइस इसके अंदर सिंगल फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है। अगर हम इनलाइन टू की बात करें तो दोनों सिलेंडर एक ही टाइम में अलग काम कर रहा है, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है, सो इसलिए गाइस दोनों अलग सिलेंडर के लिए दोनों अलग फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है। गाइस, फोर्थ जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों इंजन के अंदर, पैरेलल टू के अंदर सिंगल इग्निशन यूज होता है गाइस दोनों इंजन को ऑन करने के लिए, बिकॉज दोनों का जो काम है एट ए टाइम सेम ही गाइस, एक साथ ऊपर जा रहा है, एक साथ नीचे आ रहा है। बट इनलाइन टू में गाइस दोनों अलग इग्निशन यूज होता है, बिकॉज एट ए टाइम गाइस दोनों का जो काम है डिफरेंट है, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है। सो इसलिए गाइस मैंने पहले ही आपको बोला इनलाइन टू का जो मैकेनिज्म है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू पैरेलल टू, बिकॉज सिंगल क्रैंकशाफ्ट यूज होता है पैरेलल टू में, इनलाइन टू में गाइस डुअल क्रैंकशाफ्ट यूज हो रहा है, सिंगल इग्निशन यूज होता है पैरेलल टू में, इनलाइन टू में गाइस डुअल इग्निशन यूज होता है। अगर हम फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम की बात करें, वो भी गाइस पैरेलल टू में सिंगल यूज होता है, इनलाइन टू में गाइस दोनों अलग लगता है दोनों अलग सिलेंडर के लिए। गाइस, फिफ्थ जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों इंजन के अंदर, दैट इज इनिशियल पिकअप। अगर हम सेम सीसी बाइक की बात करें, सेम वेट की बात करें, तो पैरेलल टू का जो इनिशियल पिकअप है गाइस ऑब्वियसली इनलाइन टू से ज्यादा है, बिकॉज एट ए टाइम पैरेलल टू का जो दोनों सिलेंडर है एक साथ ऑन होता है, एंड दोनों एक साथ ऊपर जाता है नीचे आता है, तो एट ए टाइम गाइस सेम काम करता है, तो इसलिए गाइस पैरेलल टू का जो इनिशियल पिकअप है इनलाइन टू से ज्यादा है, एंड इनलाइन टू में गाइस एट ए टाइम एक ही सिलेंडर ऑन होता है, तो इसलिए गाइस इनलाइन टू का जो इनिशियल पिकअप है एज कम्पेयर टू पैरेलल टू से गाइस थोड़ा सा लो है अगर हम सेम सीसी बाइक की बात करें। गाइस, सिक्स जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों इंजन के अंदर, दैट इज वाइब्रेशन। अगर हम पैरेलल टू की बात करें तो एज कम्पेयर टू इनलाइन टू थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको ज्यादा मिलेगा, बिकॉज मैंने पहले आपको बोला गाइस इसके अंदर जो दोनों सिलेंडर है एक साथ ऑन होता है, एक साथ ऊपर जाता है, एक साथ नीचे आता है, तो इसलिए गाइस थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको ज्यादा मिलेगा। गाइस, ये बार वाइब्रेशन मीन्स थोड़ा सा इंजन साउंड आपको ज्यादा मिलेगा, बिकॉज आप लोग जानते हो गाइस पैरेलल टू जो सिलेंडर होता है ज्यादा से ज्यादा कावासाकी का जो बाइक होता है, जैसे कि निंजा 300, 400, 650 उसके अंदर यूज होता है, एंड आप लोग जानते हो गाइस कावासाकी का जो गाड़ी होता है गाइस दैट इज एक्सट्रीमली स्मूथ, एक्सट्रीमली रिफाइंड, देयर इज नो वाइब्रेशन इन इनिशियल नाइदर इन टॉप एंड। एंड गाइस, अगर हम इनलाइन टू की बात करें तो इनलाइन टू में दोनों सिलेंडर ऑपोजिट मूव होता है, तो इसलिए एक एडिशनल वाइब्रेशन क्रिएट होता है, बट जो साउंड आपको मिलेगा थोड़ा सा स्मूथ साउंड क्रिएट होता है।
फाइनल जो चीज बताया दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर हम पैरेलल टू की बात करें तो एज कम्पेयर टू इनलाइन टू इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है थोड़ा सा लो है भाई, बिकॉज मैंने पहले आपको बोला इनलाइन टू में दोनों क्रैंकशाफ्ट यूज होता है, दोनों फ्यूल इंजेक्टर यूज होता है, दोनों अलग अलग इग्निशन यूज होता है दोनों सिलेंडर के लिए। तो थोड़ा सा गाइस इसका जो प्राइस है थोड़ा सा प्रोडक्शन कॉस्ट इसका ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज आप लोग जानते हो गाइस निंजा में पैरेलल टू आता है एंड किस तरह कावासाकी ने चार्ज करता है। सो गाइज आई होप दोनों के अंदर जितना सारा कंपैरिजन था सब कुछ मैंने आपको बोल दिया, मैंने ट्राई किया गाइज सबको बेस्ट देने के लिए। कोई पॉइंट मिस हो गया तो गाइज वो भी कमेंट करके बोलना, एंड कौन सा टॉपिक में आप वीडियो देखना चाहते हो गाइज वो भी बोलना। तो चलो गाइज सी यू सून, बाय बाय, लव यू।